डिड यू नो जो नेटफ्लिक्स है इसको 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे पहुंचने में कितना टाइम लगा था? 3.5 साल. और फेसबुक को 10 मंथ्स लगे थे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में, जबकि इंस्टाग्राम को 2.5 महीने लगे थे. अब एक नई एप्लीकेशन आई है जो सिर्फ 5 डेज में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गई है, एंड दैट इज चैट जीपीटी. अस्सलाम वालेकुम. आज हम बात करने जा रहे हैं चैट जीपीटी के बारे में. चैट जीपीटी इज बेस्ड ऑन GPT 3.0 बाय ओपन AI, एंड GPT 3 स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर 3.0. चैट जीपीटी 30 नवंबर को लॉन्च किया ओपन AI ने. ओपन AI एक ऐसी कंपनी है जो काफ़ी अरसे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे मसनूई जहानत भी कहा जाता है, एक वक्त ऐसा था जब स्टीवन स्पिलबर्ग ने 2001 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मूवी रिलीज़ की, और उसमें उन्होंने ये दिखाया कि रोबोट्स हैं जो आके जाके ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर जाएंगे. इसके साथ साथ जो पहला चैट बॉट था वो भी अराउंड 2001 सामने आया. इट वॉज़ अ वेरी बेसिक चैट बॉट. लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आगे आने वाली जो 2 डेकेड्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा चैट बॉट्स यूज़ होने शुरू हो गए. डिफरेंट कंपनीज ने चैट बॉट्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. इसके साथ साथ अगर मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताता जाऊं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के मुकाबले में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये काफ़ी ज़्यादा प्रिमिटिव समझी जाती थी. और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कहा यह जाता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर जाएगी. अगर आपने कभी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की है, कोडिंग की है, तो आपको याद हो, मुझे तो ये याद है, कुछ कोडिंग मैंने की है अपनी फर्स्ट जॉब में. हम लोग जब कोडिंग किया करते थे तो हम लोग शुरू में कोड अच्छा नहीं लगते थे, तो हम किसी अच्छे कोडर को, जो हमारे साथ का कोई दोस्त होता था जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता था, उसे कहते यार प्लीज़ हमारे कोड को ज़रा फिक्स तो कर दे. कहीं बग आ रहा होता था, हमें सारा दिन पता नहीं चलता था, हम बग ढूंढे रह जाते थे, हमें नहीं पता चलता कि इस बग को फिक्स कैसे करना है. चैट जीपीटी हैज़ दिस पावर कि आपको ना सिर्फ कोड लिख के दे सकती है बल्कि आपके एग्जिस्टिंग कोड को इम्प्रूव कर सकती है. इसके साथ साथ जो आपने कोड लिखा हुआ है उसमें कोई बग आ गया है तो उस बग को भी तलाश करके आपको दे सकती है. ऑन टॉप ऑफ इट, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टीन्यूटी इंश्योर करने को कि अगर एक कोडर छोड़ के चला जाए, नेक्स्ट कोडर या नेक्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो कोडिंग की डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है. इवेंचुअली क्लाइंट को देने के लिए भी कोडिंग की डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है. सो चैट जीपीटी इवन डज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कोडिंग. ये वो सारे बेनिफिट हैं जिनसे फ़ायदा उठा सकती हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज. रिसेंटली ये पता चला है कि जो मेडिकल का एग्जाम होता है वो चैट जीपीटी ने पास कर लिया है, एंड दैट हैज़ लेफ्ट मेडिकल एक्सपर्ट्स astounded. तो ये वो पोटेंशियल है जो चैट जीपीटी का है. मैं थोड़ा सा वापस आपको टाइम में लेके चलूं, तो आपको याद है कि जब वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट का जो इब्तदाई दौर था तो जो याहू सर्च इंजन था, अब याहू जो था वो सिर्फ एक डायरेक्टरी थी वेबसाइट्स की, और ये डायरेक्टरी बड़ी सिंपल सी डायरेक्टरी थी, और अगर कोई बंदा सर्च करता था तो उसका रिजल्ट उनमें से एक वेबसाइट निकाल के याहू आपके सामने रख देता था. इसके बाद गूगल आया. गूगल वॉज बेस्ड ऑन दिस पावरफुल कॉन्सेप्ट. जब आप कोई भी वेबसाइट लेते हैं तो उसका वर्ल्ड वाइड वेब एक URL या उसका एक हाइपरलिंक होता है. बहुत सारे हाइपरलिंक जो किसी वेबसाइट पे आपको लीड करते हैं, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं. थिंक ऑफ इट एज अ फॉलो बटन, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है वेब पेजेस के ऊपर. जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उसकी ज़्यादा वैल्यू है, राइट? इसके साथ साथ अपने वेब पेज से आप किसी हाइपरलिंक के थ्रू किसी और पेज पे ट्रैफिक भेज रहे हैं, अगर आप क्लिक करें हाइपरलिंक पे तो वो आपको वहाँ ले जाता है. अगर वो आप करते हैं तो इसके ऊपर एक ऐसा कीवर्ड यूज़ हुआ है जो दोनों वेबसाइट्स के ऊपर यूज़ किया गया है, तो ये इसको हम कहेंगे रेलेवेंस. ये जो कॉन्सेप्ट है उस वेब पेज की वैल्यू का और रेलेवेंस का, इसको कंबाइन करके पेज रैंक बनाता है गूगल. पेज रैंक इज़ अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट. याहू कुड नॉट अंडरस्टैंड पेज रैंक, तो गूगल इस वजह से याहू से बहुत आगे निकल गया. डू यू नो कि एक टाइम पे याहू एक्वायर कर रहा था गूगल को 2001 या 2 में सिर्फ $2 बिलियन का. गूगल सेड नो टू इट. अगर गूगल वुड हैव बीन एक्वायर्ड फॉर $2 बिलियन बाय याहू एट दैट टाइम, नाउ गूगल्स वर्थ इज $1 ट्रिलियन. गूगल इज वे अहेड ऑफ याहू. सिमिलरली चैट जीपीटी इज वे अहेड ऑफ गूगल. अगर ऐसा ही सिनेरियो आज हम देखें तो गूगल के साथ चैट जीपीटी का है. क्यों? क्योंकि इसलिए कि जो गूगल है वो आपको दिखाता है वेबसाइट्स बेस्ड ऑन पेज रैंक, और अगर आपने एक सर्च किया है और उसकी सर्च के जो रिजल्ट्स हैं, जो भी पेज रैंक जिसके टॉप पे होंगे वो आपको सामने आ जाएंगे. अब आपको 8-10 वेबसाइट्स पे देख के अपनी जो रेलेवेंट
रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो खुद ढूंढनी पड़ती है। चैट जीपीटी आपको ये करके देता है कि इट नॉट ओनली सर्चेज एंड आइडेंटिफाइज दैट इन्फॉर्मेशन फॉर यू, इट कॉन्टेक्चुअलाइजेज दैट इन्फॉर्मेशन। सो चैट जीपीटी प्रेजेंट्स दैट इन्फॉर्मेशन राइट इन फ्रंट ऑफ यू, यू डोंट हैव टू सर्च फॉर इट एनीमोर। दैट इज द पावर ऑफ चैट जीपीटी एंड इट्स वे अहेड ऑफ गूगल। अब जो चैलेंज इस वक्त चैट जीपीटी को दरपेश है, चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी ने बनाया है और सैम ऑल्टमैन इसके फाउंडर हैं और इसको माइक्रोसॉफ्ट ने फंड किया है। माइक्रोसॉफ्ट हैज इंजेक्टेड $10 बिलियन इनटू चैट जीपीटी एंड माइक्रोसॉफ्ट हैज टेकन अ बिग बेट ऑन दैट। नाउ अब देखना यह है कि क्या चैट जीपीटी डिलीवर करता है जैसे याहू को बीट किया गूगल ने, क्या चैट जीपीटी और ओपन एआई थ्रू इट्स फंडिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, क्या माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके वो गूगल को बीट कर पाएंगे? ये हम चीज़ विल बी फाइंडिंग इट आउट इन द फ्यूचर। अब हम देखते हैं कि एक आम आदमी चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकता है। तो चैट जीपीटी के आप वेबसाइट पे जाएंगे और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू साइन अप एंड क्रिएट अ लॉगिन पासवर्ड। उसके बाद जब आप इसको साइन अप कर लेंगे देन यू आर एबल टू लॉग इन। कई दफ़ा ये ऐसा होता है कि अगर चैट जीपीटी का सर्वर बहुत बिजी हो तो आपको एरर मैसेज आ जाता है कि प्लीज़ वेट, विल लेट यू इन वंस द सर्विस इज़ नॉट दैट बिजी। आप थोड़ी देर वेट करते हैं तो वो स्क्रीन ओपन अप हो जाती है और इट एस्क यू टू कम बैक लेटर। तो आप दोबारा ट्राई करें तो इट ओपन अप। अब उसमें आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैट जीपीटी से। पीपल आर आस्किंग वेरी डिफरेंट क्वेश्चंस। इसका जो डेटा सेट है ये सितंबर 2021 तक का है, तो आप इससे पीछे के जो भी क्वेश्चन पूछेंगे तो ये एक ऐसा चैट बॉट है जो अपनी लर्निंग साथ साथ, जो पीछे लोग इसे पूछते जा रहे हैं तो ये साथ साथ एआई के थ्रू लर्न करता जा रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन लॉग इन एंड यू कैन डू द सर्च ऑन चैट जीपीटी। अच्छा, इसमें जो मज़े की बात है कि आपको पता है कितनी ज़्यादा पावर यूज़ हो रही होती है। सो चैट जीपीटी इज़ कंज्यूमिंग एनर्जी इक्वलेंट टू $1.5 million to $8 million पर मंथ। सो ये मैसिव पावर है जो ये कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्क करके आपके लिए आंसर्स निकाल के लेके आता है और ये चीज़ इसके लिए बहुत हैवी है, जिसकी वजह से इसको $10 बिलियन की माइक्रोसॉफ्ट ने फंडिंग भी दी है। नाउ दे आर गोइंग टू ऑफर देयर पेड सर्विसेज एंड उसके थ्रू आप इसकी जो सब्सक्रिप्शन लेंगे तो फिर आप उसके ऊपर ये स्ट्रिंग्स वगैरह सारी सर्च कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ पेड वर्जन ऑफ इट गोइंग फॉरवर्ड। चैट जीपीटी में मैंने आपको जो इसके फवायद गिनवाए, तो इमेजिन कि इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। सो कोई स्टूडेंट है वो अपनी असाइनमेंट करना चाहता है तो दैट स्टूडेंट कैन टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी। ये आपको बहुत अच्छा मटेरियल दे देती है। माइंड यू कि ये मटेरियल कई दफ़ा जो है ना बड़ा वर्बोस होता है एंड इट सीम्स कि ये प्लॉजिबल है और ये करेक्ट है, बट समटाइम्स इट्स इनएक्यूरेट एज वेल। सो यू हैव टू हैव एन ऑब्जर्वेंट आई, जैसा कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। सो दिस इज़ वेयर यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल वाइल यूजिंग चैट जीपीटी। इसके साथ साथ जो ब्लॉगर्स हैं वो इसे यूज़ कर सकते हैं ब्लॉग्स लिखने के लिए। सो इट माइट डाउनग्रेड द रैंक ऑफ योर ब्लॉग रिटन बाय चैट जीपीटी। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट्स दे रहे हैं, स्टूडेंट अपने टेस्ट दे रहे हैं, टीचर्स को भी डिफिकल्टी हो रही है बाय द वे टू डिटरमिन कि ये चैट जीपीटी के थ्रू लिखी जा रही है या स्टूडेंट्स अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं राइटअप करने के लिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी माइंडफुल ऑफ दिस कि जो टेक्नोलॉजी है उसको उसका इस्तेमाल सही किया जाए। और इसमें अब दिस इज़ वेयर पीपल हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट। इसके साथ साथ प्रोग्रामिंग की मैंने आपको एग्जांपल दी कि कोडिंग के फील्ड में चैट जीपीटी कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू। इट कैन राइट कोड फॉर यू, इट कैन इंप्रूव द एग्जिस्टिंग कोड फॉर यू, इट कैन फाइंड बग्स फॉर यू, इट कैन डू द कोड डॉक्यूमेंटेशन एज वेल। सो मैसिव वो बेनिफिट्स हैं। वी कैन इफ थिंक अबाउट फ्यूचर, इट्स गोइंग टू रिप्लेस कॉन्टेंट राइटर्स और कॉन्टेंट राइटर्स कैन टेक अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी। अब हम लास्टली बात करेंगे कि जो चैट जीपीटी का फ्यूचर है। अगर आप देखें, देयर वाज अ बुक बाय यूवल नोआ हरारी होमो डियस, इसमें उन्होंने बात की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और उन्होंने बात की है कि कैसे एक टाइम ऐसा आने वाला है जब ह्यूमन इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरपास कर लेगी। सो आने वाले वक्त में हम काफ़ी करीब होते जा रहे हैं। इट इज़ क्वाइट मीनिंगफुल एंड इट्स क्वाइट एक्साइटिंग, बट एट द सेम टाइम इट्स क्वाइट स्केरी एज वेल, बिकॉज रोबोट्स आर गोइंग टू हैव मोर इंटेलिजेंस एज कम्पेयर टू ह्यूमन्स। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको चैट जीपीटी को कोई दुश्मन ना समझें, बल्कि आप इसको एज योर असिस्टेंट समझें और आप इसको यूटिलाइज करें अपने वर्क को इन्हेंस करने के लिए एंड यूज़ चैट जीपीटी टू मेक यू लुक रियली स्मार्ट। इसके साथ साथ उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आइंदा आने वाली वीडियोज़ में हम आपसे मजीद एक्साइटिंग किस्म के एडवांसेज हो रहे हैं, वी विल बी शेयरिंग दोज विद यू, सच एज वेब 3.0, चैट जीपीटी एंड सो ऑन। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।